देखो बिना गैस जलाए बर्फी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है, खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपकी स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ बिना गैस जलाए बर्फी। बर्फी बनाने के लिए मैं ये 10 बादाम ली हूँ, ये 10 काजू है, और 3 चम्मच में चीनी डालूंगी। तीन चम्मच चीनी डाल दी हूँ। इसको मैं मिक्सी में पीसूंगी। ये चटनी वाला जार ले ली हूँ, इसी में ये तीनों चीज डाल देती हूँ। अब मैं इसको पीस के ले आती हूँ। देखो मैं पीस के ले आई हूँ। अब इसको एक परात में निकालूंगी। ये मैं परात ले ली हूँ, इसी में ये डाल दूंगी। देखो भाई परात में डाल दी हूँ। अब इसी में मैं दूध डालूंगी। तो एक कांच के कटोरी ली हूँ, इससे नाप के मैं 1.5 कटोरी दूध डालूंगी। ये सूखा दूध है, ये कांच के कटोरी है, इससे मैं 1.5 कटोरी डालूंगी। या देखो मैं 1.5 कटोरी डाल दी हूँ। जिससे मैं दूध ली हूँ वही कटोरी से ये नारियल की जो बुरादा है, 1.5 कटोरी नारियल का बुरादा लूंगी। 1 कटोरी में डाल दी हूँ। ये देखो आधी कटोरी और मैं डाल देती हूँ। ये रोज बोतल है, इसमें 2 बूंद में ये गुलाब की जल में डालूंगी। देखो ये इलायची पाउडर है, 1 चम्मच ये इलायची पाउडर में डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ। अब इसमें मैं 1 कटोरी मलाई डालूंगी। जो कटोरी से मैं सूखा दूध ली थी, नारियल ली थी, वही कटोरी ये है। 1 कटोरी से थोड़ी सी कम है, ये पूरा मलाई मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से मिला देती हूँ। अगर इससे अच्छे से मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं मिलेगी तो हल्का सा दूध डाल दूंगी, पर इसी से मिल जाएगी। देखो इसमें मैं तो चीनी 3 चम्मच डाली हूँ। अगर आप लोग मीठे खाते हो तो 5 चम्मच भी चीनी डाल सकते हो, लेकिन मैं तो हर मिठाई में चीनी थोड़ा कम डालती हूँ, इसलिए मैं 3 चम्मच चीनी ली हूँ। जिस तरीके से मैं नाप के ली हूँ उस तरीके से लोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा बनेगी। अगर हर चीज नाप के लोगे तो बहुत अच्छे बनेगी। 1.5 कटोरी में नारियल के बुरादा ली थी और 1.5 कटोरी में सूखा दूध ली थी। 1 कटोरी में थोड़ा सा कम मेरा मलाई थी। देखो बिल्कुल दूध डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, बहुत अच्छे से मिल गई है। और देखो कितना अच्छा डो इसकी तैयारी हुई है, आटे के जैसे, ना कड़ी है और ना मुलायम है। तो इसी प्रकार से अभी इसको अच्छे से मिलाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखो खूब अच्छे से मैं मिला ली हूँ। अब इसको साइड में रख देती हूँ। बर्फी जमाने के लिए मैं एक केक टिन ली हूँ। नीचे मैं घी लगा दी थी, ऊपर से बटर पेपर लगा दी हूँ, उसके बटर पेपर के ऊपर भी घी लगा दी हूँ। इसी में मैं बर्फी जमाऊंगी। तो अब क्या करूंगी कि थोड़ा थोड़ा लेके इसके ऊपर रख दूंगी चारों कोने में। देखो ये चारों कोने में रखने के बाद थोड़ा सा बचा तो मैं बीच में रख दी हूँ। अब इसको थोड़ी थोड़ी दबा दबा के इसको बराबर करूंगी, फिर मैं चिकना चम्मच से करूंगी। देखो मैं दबा दबा के इसको बराबर कर दी हूँ। अब इसको चम्मच से मैं चिकना करूंगी। देखो मैं 1 चम्मच ले ली हूँ, चम्मच में मैं घी लगा ली हूँ। अब इसी से मैं अच्छे से चिकना करूंगी। देखो मैं चारों तरफ से चिकना कर दी हूँ घुमा घुमा के। अब इसमें मैं चांदी के वर्क लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी हाथों से।
इसी प्रकार मैं हर जगह लगा दूंगी, क्योंकि इकट्ठा डालने से एक ही जगह होगी, ऐसे करके लगाऊंगी तो हर जगह हो जाएगी। देखो चांदी के वर्क मैं उंगली से हर जगह मैं लगा दी हूं। अब मैं इसमें ये 10 पिस्ता था इसको मैं बारीक बारीक काट ली हूं। अब ये जो पिस्ता है इसी के ऊपर में मैं डालूंगी। एक एक करके हर जगह लगा दूंगी कि देखने में सुंदर लगेगी। देखो मैं पिस्ता लगा दी हूं, अब क्या करूंगी मैं इसमें थोड़ी सी और केसर लगा दूंगी। तो मैं ये केसर ली हूं, एक एक केसर कहीं कहीं रख दूंगी कि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि बर्फी है ना, बर्फी तो जितना देखने में सुंदर लगती है उसे कई गुना खाने में अच्छी लगती है, तो इसको सजाने से देखने में ज्यादा सुंदर लगेगी, इसलिए एक एक केसर हर जगह इधर उधर लगा दूंगी। देखो हर जगह मैं केसर एक एक लगा दी हूं। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी, 10 मिनट के बाद मैं बर्फी काटूंगी। देखो 10 मिनट हो गई है, अब मैं इसको एक चाकू से चारों तरफ किनारी छोड़ाऊंगी। देखो मैं चारों तरफ से ये चाकू लगा दी हूं, अब मैं इसको पलटूंगी एक थाली में। देखो मैं एक थाली ली हूं, इसको इस प्रकार से यहां रख दूंगी। अब इसको इस तरीके से पलट दूंगी। अब इसके ऊपर मैं मारूंगी थप थप करके तो नीचे गिर जाएगी। देखो ये बटर पेपर जो लगाई थी इसके वजह से इतना सुंदर ये निकली है। फिर से मैं एक थाली लगाऊंगी, फिर से पलटूंगी। देखो कितनी सुंदर से निकल गई है। अब मैं इसको चाकू से काटूंगी। देखो मैं एक चाकू ली हूं, अब इसको पहले एक निशानी लगा देती हूं छोटी छोटी। अब देखो मैं काट रही हूं। अब मैं फिर से इसको घुमा दूंगी, घुमाने के बाद फिर से मैं काटूंगी उसी प्रकार। देखो मैं सारा काट ली हूं, अब इसको मैं दूसरी प्लेट में रखूंगी। अब इसी में मैं एक एक ये बर्फी रखूंगी। देखो मैं सारे एक प्लेट में निकाल दी हूं। देखो बिना गैस जलाए बर्फी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है, खाने में तो पूछो मत। और बनाने में ना गैस जली, 5 मिनट में ये बर्फी बनके तैयार हो गई। इतनी सॉफ्ट बनी है, इतनी मुलायम है कि एक बार बना लोगे तो 10 दिन आराम से खाओगे। और जो भी सामान था मेरा घर में ही था, खरीद के कुछ नहीं लाई हूँ। बनाने में भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगी है, 5 मिनट में ये बर्फी तैयार हो गई है। और 10 मिनट इसको जमने के लिए मैं छोड़ दी थी। देखो ये बर्फी के रंग कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। अगर बर्फी बनाते हो तो एक बार बिना गैस जलाए बर्फी बनाओ और इसी तरीका से बना के देखो, बहुत जल्दी बन भी जाएगी और स्वाद से भी भरपूर रहेगी। अगर बिना गैस जलाए बर्फी आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।